हीथ्रो एयरपोर्ट में इसे नवाज शरीफ को फेयरवेल बोल रही है, इसे वो सीक्रेट मीटिंग सऊदी अरेबिया करने जा रहा है और इंशाल्लाह ताला हम नवाज शरीफ को वार्म वेलकम करेंगे जब वो वापस गीदर लंदन आएगा। हीथ्रो एयरपोर्ट में इसे नवाज शरीफ को फेयरवेल बोल रही है, इसे वो सीक्रेट मीटिंग सऊदी अरेबिया करने जा रहा है और इंशाल्लाह ताला हम नवाज शरीफ को वार्म वेलकम करेंगे जब वो वापस गीदर लंदन आएगा। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ जुल्म मिटने के लिए, दो चीजों से मिटेगा भाई, एक अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे, दूसरा कौम निकल खड़ेगी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाएगा। अगर 400 BC का मुकदमा था उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है, जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ केस खत्म कर देते, तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला, शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया, एक ही इल्जाम पे दो केस हो नहीं सकते भाई, मतलब 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली, नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार, भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस, खड़े रहते अपने फैसले, मिट जाता जुल्म, अल्लाह ताला ने बिठाया इस कुर्सी इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करते हैं, तो या तो ये फैसले आएंगे जुल्म मिट जाएगा या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।